हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैमस्टर कॉम्बैट का सबसे बेस्ट एक्सचेंज कौन सा। बहुत सारे एक्सचेंज आ चुके हैं। ओके एक्स आ गया, बायबिट आ गया, उसके बाद बाइनेंस आ गया और बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर केवाईसी नहीं मांग रहा, मगर जो सबसे बेस्ट एक्सचेंज है वो है बाइनेंस। इसके अंदर रजिस्टर कैसे करेंगे, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कितने दिन में होएगा, कितनी तारीख से पहले हमारे को इसको रजिस्टर करना है, और यदि आपने रजिस्टर कर लिया तो उसको रीसेट कैसे करेंगे, पूरा ही डिटेल के अंदर बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को फॉलो करोगे तो 100% आप भी रजिस्टर कर पाओगे। कॉम्बैट पर करते क्लिक, यहां से कर देते इसको प्ले, और आप वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कर दिया पॉइंट्स पे और विड्रॉल पे, विड्रॉल वाले पे क्लिक करते तो देखिए तीन जो ऊपर एक्सचेंज है इसके अंदर आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, यानी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। बाइनेंस सबसे बेस्ट है एक्सचेंज में, ओके एक्स हमारे इंडिया में बैन है, यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इसमें आप रजिस्टर नहीं करें। बायबिट के अंदर यदि आपने कर लिया है तो आप इसको बाइनेंस में कर लीजिए। सबसे पहले चीज बता देता हूँ कि जो आपको एक्सचेंज है ना, जो प्रॉफिट है पर ओवर वाला, इसके पास में देखिए यहाँ आपको एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेना, बाइनेंस ही करना है आपको। जिसमें भी आपने रजिस्टर करा उसी को आपको सेलेक्ट करना है। बायबिट में करा तो बायबिट सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ बाइनेंस सेलेक्ट कर रखा है। एड वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए अब आपको उसको यदि आपने रजिस्टर कर लिया तो रीसेट कैसे करेंगे, यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन मिल रहा है रीसेट विड्रॉल ऑप्शन, इस पर करते हैं क्लिक और कर देते हैं इसको यहाँ से ओके। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इसको कर दिया तो हमारा जो एक्सचेंज का था जिसमें भी हमने रजिस्टर करा था वो रीसेट हो चुका है। अब हम करते हैं इसको बाइनेंस में, यहाँ बाइनेंस वाले पे क्लिक करते हैं। ये बोल रहा है यस आई हैव इट, तो यहाँ से कर देते हैं क्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बोल रहा है ऊपर हमारे को रजिस्टर करने के लिए, तो यहाँ क्या करना हमारे को इसको रजिस्टर कर देना। इस चीज को आपको क्या कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, तो उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसको क्या करना है, रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। बाइनेंस की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, बायबिट की एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो ज्यादा रिस्की है। यहां से कर दिया, ये मांग रहे हैं मोबाइल नंबर या मेल आईडी। आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो और मेल आईडी भी डाल सकते हो, तो मैं यहां डालूंगा मोबाइल नंबर, मेल आईडी मैं यहां नहीं डाल रहा हूं, और जितनी भी चीजें दोस्तों ये सब मैं चीजें हाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है देखिए मेरा, और कंट्री कोड आपको सेलेक्ट कर लेना और उसको कर देते हैं यहां से एक्सेप्ट कुकीज और कुकीज एंड कंटिन्यू, यहां कर देते हैं इसको क्लिक और इसको कर देते हैं यहां से नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दिया मैंने, तो अब यहां आएगा हमारे पास एक ओटीपी, तो ओटीपी के लिए हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा चल रहा है तो यहाँ वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और डायरेक्ट इसके अंदर एंटर भी कर सकते हो। तो यहाँ हमारा ओटीपी आ चुका है, इसको कर लिया मैंने यहाँ से कॉपी, उसको यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, पेस्ट कर दिया, वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है पासवर्ड, पासवर्ड आपको ऐसा बनाना, हार्ड पासवर्ड बनाना है, शुरू का जो वर्ड है उसको बड़ा रख लीजिए, यानी कि अल्फाबेट जो है उसको बड़ा रख लीजिए, और उसके अंदर वर्ड भी ले लीजिए और गिनती भी ले लीजिए और एट दी रेट भी ले लीजिए। तो मैं यहाँ पासवर्ड हाइड कर दूंगा, मोबाइल नंबर भी हाइड कर दूंगा, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं पासवर्ड बना लेता हूँ और यहाँ से पहले शो कर लेता हूँ पासवर्ड को, और ये पासवर्ड मैंने बना लिया, ये पासवर्ड मैंने बना लिया और उसको यहाँ मेरे को हाइड करना पड़ेगा पूरी चीजों को। पासवर्ड आपको बना लेना है, ये कि तीन ग्रीन टिक हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कर देते हैं इसको यहाँ से नेक्स्ट। क्रिएट ए पासवर्ड हो गया, और इसका पासवर्ड का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना। वेलकम अबोर्ड, यहाँ बोल रहा है नेक्स्ट, और वो जो चीज मैंने आपको बोली थी ना आईडी, वो आपको कॉपी जरूर कर लेनी है शुरू में, और यहाँ से इसको कर देते हैं नेक्स्ट। बाइनेंस की एप्लीकेशन मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है, तो ये हमारे को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ देखिए ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब ये देखिए यहाँ बोल रहा है ये वेरीफाई, ठीक है फ्रेंड्स, 13 दिन 23 घंटे और 59 मिनट बाकी है, तो यहाँ से करते हैं वेरीफाई वाले पे क्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्लिक हो रहा है, यानी कि आगे प्रोसेसिंग पे चल रहा है। तो बाइनेंस यदि आपने डाउनलोड नहीं कर रखा तो ये प्ले स्टोर पर जाएगा, पहले आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। मैंने डाउनलोड पहले ही कर रखा प्ले स्टोर से, तो यहाँ थोड़ा सा लोडिंग होने में टाइम लगा रहा, तो यहाँ आ गया ये, तो ये बोल रहा है हमारे को यहाँ देखिए कंटिन्यू ब्राउजर, और ऊपर बोल रहा है वेरीफाई विद बाइनेंस ऐप। आपको ब्राउजर से नहीं करना, एप्लीकेशन से ही करना है, यहाँ करते थे क्लिक, यहाँ क्लिक कर दिया मैंने देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए प्ले स्टोर पे आ गया, यहाँ पे यहाँ कर देते इसको ओपन, यहाँ मैंने ओपन कर दिया, एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर रखी थी, एक्सेप्ट कर देते यहाँ से। ठीक है, और इसको चलने देते, थोड़ा सा लोडिंग होने देते, तो यहाँ ये बोल रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ से कर देते इसको कैंसिल। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, और ये पता नहीं क्या वाइट सा हो गया, थोड़ा सा देखते हैं क्या हो रहा है, ये अटक गया है तो मेरे को ऐसा लग रहा है, तो इसको कर देते हैं यहाँ से। बाइनेंस की जो एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करी थी वो कहाँ गई, ये रही,
बाइनेंस वाली एप्लीकेशन को कर देते हैं ऐसे थोड़ा सा एक बारी क्लोज, और यहाँ से प्ले स्टोर से इसको वापस ओपन कर लेते हैं। कभी कभी अटक जाता है, एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ से। ये बोल रहा है यहाँ पे साइनअप, यहाँ से कर देते हैं इसको लॉगिन। वो मैंने फोन नंबर का काट दिया था, थोड़ा सा स्लीपर प्रॉब्लम हो गई। यहाँ कर देते हैं वापस मोबाइल नंबर, एंटर। मोबाइल नंबर मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि मेरा एक वीडियो दोस्तों पूरा डिलीट हो चुका है। कंट्री कोड आपको सेलेक्ट कर लेना, उसमें मैंने आधार कार्ड के नंबर दिखा दिए थे मगर आधार कार्ड के नंबर फेक थे, तो भी मेरा यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दिया। यहाँ पासवर्ड एंटर करना, जो पासवर्ड आपने बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, यहाँ मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया और यहाँ से कर देता हूँ उसको नेक्स्ट। इसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिएगा चाहिएगा, और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर एंटर होने चाहिए, यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए, यानी कि ऑलरेडी उसके अंदर होने चाहिए क्योंकि उस पर OTP आएगा, और पैन कार्ड नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये आपको कंट्री बोल रहा है, कंट्री बोलने के बाद ये आइडेंटिटी के लिए बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट यूज ID बोल रहा है, लाइसेंस चेक बोल रहा है, यहाँ से कर देते इसको कंटिन्यू। यहाँ वापस ये बोल रहा कंट्री, तो यहाँ कर दिया मैंने इसको इंडिया, और यहाँ से कर देता हूँ उसको वापस कंटिन्यू। बहुत से जनों ने तो बताया कि बाईबिट अच्छा है, सबसे बेस्ट है, मैंने बहुत सर्च करा, सर्च करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए बोल रहा वेरीफाई आधार विद OTP, यहाँ से कर देते इसको कंटिन्यू। अभी आधार कार्ड के नंबर मांग रहा है, तो मैं ले लेता हूँ मेरा आधार कार्ड, और आधार कार्ड के नंबर भी मैं आपको जो है हाइड कर दूंगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा आधार कार्ड के नंबर, तो मेरा वीडियो डिलीट हो चुका है। और अपनी पर्सनल जानकारी किसी को भी शेयर नहीं करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ नीचे हमारे को कुछ वर्ड टाइप करने के लिए बोला है, तो ये सारे टाइप कर देते हैं हम वर्ड। ये मैंने टाइप कर दिए और इसको कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। जैसे मैंने इसको नेक्स्ट करा, तो यहाँ हमारे पास आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ उसके एक OTP आएगा, वो हमारे को यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ आधार कार्ड का OTP हमारा आ चुका है, तो मैं देख लेता हूँ क्या आया मेरे पास। तो यहाँ डाल देता हूँ मैं, यहाँ डाल दिया मैंने, और कर देता हूँ ऐसे इसको कंटिन्यू। अब ये बोल रहा है सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे हमारे को एक सिक्योरिटी कोड डालना है 6 डिजिट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो 6 डिजिट का सिक्योरिटी कोड आप कुछ भी बना सकते हो जो आपको अच्छा लगे, तो यहाँ से कर देता हूँ उसको कंटिन्यू। जो आपको बेस्ट लगे वो सिक्योरिटी कोड आप बना सकते हो, यहाँ से बोल रहा है ये अलाउ करने के लिए, तो यहाँ से कर देते इसको अलाउ। और ये सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे बोल रहा है थैंक यू 1 सेकेंड, और यहाँ से इसको कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ टिक कर दिया, यहाँ पैन कार्ड का नंबर मांग रहा, तो यहाँ पैन कार्ड का नंबर मैं डाल देता हूँ। और इसमें आप ID किसी की भी लगा सकते हो घर के अंदर, यानी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से आपने टेलीग्राम बना रखा है उसी नाम से आपको उसको रजिस्टर करना, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। किसी के भी नाम से आप पैन कार्ड आधार कार्ड जिसके पास है उससे आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। देखिए यहाँ नाम आ गया, नाम डालने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ कर देते हैं इसको टिक करके कंटिन्यू, यहाँ से मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, यदि आप स्किप करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो और आप रजिस्टर सही से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखिए हमारे को बहुत सारे एक्शन मिल जाते हैं। सबसे ऊपर देखिए बाइनेंस ही है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, सबसे ऊपर बाइनेंस ही है। अब ये देखिए ऊपर एक होलमार्क आ रहा है, यानी कि लोगो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ देखिए इस तरीके का हमारे को एक ऑप्शन मिल जाएगा पूरा देखने के लिए। और इस पर जैसे आप यूँ क्लिक करोगे तो वेरिफिकेशन हमारा पेंडिंग के अंदर है। अब वेरिफिकेशन पेंडिंग में, तो इसको अपडेट होने में कम से कम 1 दिन का टाइम लगेगा, 1 दिन बाद ही हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ एप्लीकेशन को, देखो एक बार यहाँ से ये क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, और इसको भी कर देते क्लोज। और फिर उसके बाद चलते हैं बाइनेंस के अंदर, यहाँ आ गए वापिस बाइनेंस के अंदर। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके कर देते इसको, ठीक है फ्रेंड। मैंने उसको वहां से क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद ये बोल रहा है गो टू होम, यहाँ से गो टू होम कर दिया। यहाँ मार्केट वाले पे क्लिक करते हैं, पेंडिंग वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैं बता देता हूँ आपको कितना टाइमिंग बता रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे को कितना वक्त लगेगा इसको प्रोसेसिंग होने में। देखिए एस्टिमेट रिव्यू टाइम 1 दिन कम से कम लगेगा, यानी कि कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे। उसके बाद ये हमारे को क्या करना है, इसको कर देते हैं यहाँ से बैक। उसके बाद चलते हैं हम वापस टेलीग्राम में, वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ से करते हैं इसको प्ले, और कहीं कहीं यदि मैंने गलती कर दी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा दोस्तों। और वीडियो आपका भाई को आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर कर देते कॉइन पे कलेक्ट, एयरड्रॉप पे करते क्लिक। यहाँ देखिए अभी NEET KYC वाला लिखा हुआ, तो इसके ऊपर जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा इस तरीके से, NO KYC LIGHT KYC बोल रहा। तो मैंने किसी पर भी नहीं करी, IBXchange पर तो बिल्कुल भी नहीं, और ऑन चेन ड्रॉप ये कौन सा इस पर भी नहीं करिए, और वॉलेट टेलीग्राम पे भी नहीं करिए, OKXchange तो बैन है, बाइबिट पे भी नहीं करिए। सबसे बेस्ट है कौन सा है दोस्तों, बाइनेंस, इस पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए। डेली कॉम्बो आपको मैंने बताया दिया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।